सिखाते हैं संस्कारी बहू की संस्कारी दुनिया, जहां पर उनके प्यारे गणपति बप्पा हैं। उनकी बचपन, जवानी और उनके होम टाउन की यादें हैं। उनका फेवरेट आईना है और हैं वो ऐसी चीजें जो धानी के बहुत करीब है। सासबो बेटा के संस्कारी मंगलवार में आज हम आपको दिखा रहे हैं धानी का संस्कारी रूप, जो धानी ने बड़े ही प्यार और करीने से सजाया है। हाय, कम इनसाइड। तो चलिए चलते हैं धानी के कमरे में, जो है उनके सीरियल इश्क का रंग सफेद का के सेट पर, यानी मुंबई के फिल्म सिटी में। इस रूम में सबसे खास है ये प्यारे से गणपति बप्पा, जो धानी यानी ईशा सिंह के फेवरेट हैं। को एक्टर गुलफाम मैम ने मुझे दिया था, वो भी हैंडमेड है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो वहाँ मेकअप टेबल पर नहीं रख सकती थी, इसलिए यहाँ रख लिया। उन्हें हाथ से बनाया, ये हैंगर के स्टैंड से बनाया, ये क्ले से बनाया है, बहुत अच्छा सा है। और हर नई शुरुआत के लिए गणेश जी यूज़ होते हैं। उनने मुझसे फ़ोन करके पूछा तुम्हें कौन से भगवान पसंद है, ऐसा क्यों, मैंने मुँह से उस दिन गणेश जी निकल गया, तो उन्होंने मुझे गणेश जी बना के दिए। मोटू से क्यूट से अच्छे भी लगते हैं। अब देखते हैं कि धानी के रूम में और क्या क्या है। सबसे खास है ये तस्वीरों का कोलाज, जो धानी को उनके शो की तरफ से मिला था गिफ्ट। ये सब फोटोज मेरे प्रोडक्शन हाउस ने दिया था मेरे बर्थडे पे ऑन 24 दिसंबर। मुझे पता नहीं था, मैंने रूम खोला तो ये लगा हुआ था, तो मुझे काफी खुशी हुई। तो वही है, जो आता है सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे जाता है, बाद में मुझ पे जाता है। पूरा कलेक्शन है फोटोज का, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे को एक्टर्स के साथ, मॉम के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पेट के साथ। शिफ्ट हुए थे तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, तब की फोटो है। ये मेरा फर्स्ट प्रोमो शूट हुआ था, उसकी फोटो शूट हुआ था इस आई के आर एस का। ये मेरी शादी का है दुलारी माई और मैं। ये मेरी पेट है डायना, ये मैं स्कूल से आई थी तब का है। ये हमने ड्रीम सीक्वेंस शूट किया था मैं और मिशाल का तब। ये भोपाल का ही है। और ये मैं, मॉम, डैड, ये पूरी मेरी कास्ट, हमारी विमेन पावर। ये मेरे स्कूल के कार्निवल का, और वो मैं पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी। मे बी दैट वन बिकॉज उस दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि डैड मैं परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो रही थी, मुझे नहीं पता था मैं कब जाऊंगी। तो मैं, भाई और डैड वाली पिक्चर अच्छी लगती है, बहुत क्यूट सी आई हूँ मैं, तो मुझे ये पिक्चर पसंद। नॉर्मली लोगों को मेरी ये पिक्चर पसंद आती है, बट मुझे वो पसंद है। यूँ तो धानी का कमरा बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनका फेवरेट कॉर्नर है आईना, जहाँ पर खुद को सजाती हैं, संवारती हैं। और मिरर तो मैं आते जाते देखती रहती हूँ, सबसे ज़्यादा नज़र आते ही साथ मिरर पे ही पड़ती है। मेरी आदत भी, गंदी आदत भी बोल सकते, कि मुझे मिरर बहुत देखना होता है। थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन एक्टर को होना पड़ता है, अपने आप से प्यार करना पड़ता है। एक्टर को ही क्यों, आप सब अपने आप से प्यार करिए, जितने आप मिरर देखना हो देखिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। अगर रोके तो उसे बोलना तुम भी देखो। भोपाल की रहने वाली ईशा मुंबई में अकेली रहती है और अपने शहर को बहुत मिस करती है, और ऐसे में भगवान की आस्था ही उनके काम आती है। अगली हवाएं मुझे जहां भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूं मैं। भोपाल में एक मंदिर है, उसमें आई डोंट नो, बहुत पहले से जा रही हूँ तो विश्वास है कि मुझे वहाँ बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो अगर भोपाल जा रही हूँ भले एक दिन के लिए, बट उस मंदिर में जाना मेरे लिए जरूरी होता है। शंकर जी का मंदिर है वो। तो देखा आपने कि पर्दे पर सीरियल के उस पार कैसी होती है सितारों की असली दुनिया। ईशा सिंह की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, जो आज सास बहू और बेटा ने दिखाने की कोशिश की है। शांतु भटनागर, मुंबई आज तक।